मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित दी रिमार्केबल कप टू फुटसल टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले एलाइट ग्लाइडर्स और ग्लैडिएटर्स के बीच खेला गया, जिसमें एलाइट ग्लाइडर्स ने ग्लैडिएटर्स को 4-3 से हराकर दी रिमार्केबल कप 2 पर कब्जा जमाया। मानसरोवर स्कूल कैंपस में खेले गए दी रिमार्केबल कप फुटसल टूर्नामेंट के फाइनल में एलाइट ग्लाइडर्स और ग्लैडिएटर्स के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला। दूधिया रोशनी में खेले गए इस मैच में खिलाड़ियों ने अपनी जोरदार प्रदर्शन किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों ने एक एक गोल किया, जिसके बाद मैच का निर्णय पेनाल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें एलाइट ग्लाइडर्स ने ग्लैडिएटर्स को 4-3 से हराकर दी रिमार्केबल कप 2 पर कब्जा जमाया। एलाइट ग्लाइडर्स की ओर से रोशन ने 2, हर्ष और राहुल ने एक एक गोल कर जीत दिलाई। इस दौरान ग्रैंड फिनाले में मुख्य अतिथि के तौर पर आए बुंदेलखंड के विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर TR थापक ने मानसरोवर ग्रुप के आयोजन की सराहना की और कहा, इस तरह के आयोजन से छात्रों का शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। वहीं विशेष तौर पर आए भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा ने मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के CED और प्रो चांसलर गौरव तिवारी के कार्यों की सराहना की और कहा कि गौरव ने छोटी सी उम्र में यूनिवर्सिटी का कार्यभार संभाला और आगे बढ़ाया, यह बहुत बड़ी बात है। ये आज जो फुटसेल है, ये एक अच्छे मैदान में एक अच्छी टीम भावना के साथ ये मानसरोवर ग्रुप ने जो आयोजन किया है, उसके लिए बधाई हो। मुझे इस मैदान में आने के बाद बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक महानगर में एक अच्छा बच्चों के लिए ये मैदान है और ये जिस तरह से ये अनुशासित होकर बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, जो यहाँ पर ये पूरी टीम, ये इन लोगों ने जो सुविधाएं इस ग्रुप ने जो की है, वो उसको बधाई है। मुझे लगता है जैसे कोरोना के बाद कहा था कि जीवन बदल जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा आपदा में से अवसर निकलेगा, तो ये खेल भोपाल में उसी की देन है। जो हमारे बच्चे पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर खेलते थे, खिलाड़ी थे, कोरोना की वजह से ये उनको यहाँ आना पड़ा और उस समय में गौरव सर के मन में विचार आया और उन्होंने एक इतना अच्छा ग्राउंड उपलब्ध कराया है, ये भोपाल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए मानसरोवर ग्रुप को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। इस दौरान मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के CED और प्रो चांसलर गौरव तिवारी ने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और इस तरह के टूर्नामेंट आगे भी करने की बात कही। गौरव ने बताया कि इस तरह के आयोजन छात्रों के लिए बहुत जरूरी है और इस फुटसल का आयोजन सभी संस्थान के छात्रों के लिए था, जिसमें कई टीमों ने भाग लिया है। उन्होंने विजेता और उप विजेता टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। उद्देश्य तो हमारा बच्चों के हर तरह से उनको आगे बढ़ाने का है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चरल हो, एजुकेशन, अकेडमिक्स हो, और उसी तारतम्य में हमने इस फुटसल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और हमारा फोकस रहता है कि हम केवल मानसरोवर में जो एनरोल्ड बच्चे हैं, जो मानसरोवर के अपने बच्चे हैं, उनके अलावा भी बाहर के बच्चों को भी मौका दें, इसलिए इसको एक ओपन टूर्नामेंट के तौर पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। विनर्स के लिए 51,000 रुपये का इनाम है और आप लोगों का सहयोग है तो ये हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। 8 टीमों ने भाग लिया है और ये टूर्नामेंट करीब 4 हफ्ते तक चला है। राउंड रॉबिन फॉर्मेट में था और करीब 45 मैचेस इन टीमों के बीच में हुए। वीकेंड्स पे ही रखा था, सैटरडे संडे, ताकि बच्चे इजीली आ सकें और आज ये इसका फिनाले। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।